आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शरीर पर तिल होने के फायदे और नुकसानों की। तो सबसे पहले बात करते हैं ललाट पर तिल की। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। भौं पर तिल। यदि दोनों भौं पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी भौं पर तिल सुखमय और बाईनी पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंख की पुतली पर तिल। दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। पलकों पर तिल। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। आंख पर तिल। दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने एवं बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। कान पर तिल। कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। नाक पर तिल। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। होंठ पर तिल। होंठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। मुंह पर तिल। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी संपन्न एवं सजग होने का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर तिल। गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्णवर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर तिल। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठोड़ी पर तिल। जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारता की कमी होती है। कंधों पर तिल। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता एवं बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित एवं बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर करते हैं। बाएं भुजा पर तिल। बाएं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। कोहनी पर तिल। कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक है। हाथों पर तिल। जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाहिनी हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाहिनी हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। अंगूठे पर तिल। अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल। जिसकी तर्जनी पर तिल हो वह विद्यावान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा पर तिल। मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है। व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल। जिसकी अनामिका पर तिल हो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठा पर तिल। कनिष्ठा पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। गले पर तिल। गले पर तिल वाला जातक अरा मतलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। कमर पर तिल। यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण यह धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल।
पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। घुटनों पर तिल। दाहिनी घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। पैरों पर तिल। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं सउद्देश्य और बाएं पर हो तो निरुद्देश्य होती हैं। धन्यवाद।